भैया। हाँ भैया, मैंने तो गजब कर दिया मेरे भाई। हाँ हाँ भैया, बड़े भैया को घर से मार के बेघर कर दिया। अब गांव देश वाले सब ताने मार रहे हैं कि विनोद ने अच्छा नहीं किया। अब मैं सोच रहा हूं कि मेरे भैया प्रमोद अगर मिल जाए तो मैं उनका आधा हिस्सा मार दूंगा। मुझे नहीं चाहिए मेरे भाई। भैया हरी तुझे ढूंढूं कहां भैया, हे भैया तुम लौट आओ घर, मैं तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा भैया। कि तुझे ढूंढूं कहां भैया, पतवार बिना डूबे मझधार विजय नैया। भाई को इस दुनिया से मिटा कर और तो साला जान बचा के भाग रहा है। नहीं चाचा जी, है मैंने अपने भैया को नहीं मारा हूँ। नहीं मारा आराम खोर, मैंने खुद देखा। सुन मेरी बात को साले, विरोध तो शाला इतना मक्कार इतना गद्दार निकला कि मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तू ऐसा करेगा। रे साला अपने भाई का मार दिया। सुन मेरी बात को, अबे किया तू भाई काहे
हरामखोर कि या तू भाई का है खून दोगा साले हड्डी। कुत्ते, तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई? अपने ही भाई का खून कर दिया, देख आप तेरी क्या हालत करता, बोल। अरे चाचा कहते बच्चा लाल मजमू अर किया ना भैया काम। तो खून किया है या नहीं किया है, अब तुझे पता चलेगा हरामखोर। ललो ऐसा कर बे, मोबाइल लिया है निकाल, लगा थाने पर फोन पे और बुला इंस्पेक्टर को। अच्छी बात है बाबू साहब, बुला सोने हो साहब। नमस्ते साहब, साहब जल्दी आवे, चलावे चलावे साहब, हल्के में गजब हो गया साहब। बोला अरे साहब हल्के में मटर हो गया। अरे सर मटर चना हो गया कि मटर हो गया बे? साहब फोन हम करे हैं और बाबू साहब करवाए हैं। कौन बाबू साहब? राधे बगल में आपके बैठ खड़ा। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, कहिए सब ठीक है? लेकिन साहब आज मैं आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया हो, क्यों जहाँ ऐसा कुछ हो गया जो कभी नहीं हुआ था। क्या हो गया? अरे ये बताइए। आज यहाँ पर खून कर दिया। क्या भाई ने भाई का खून कर दिया? जी हाँ, ये तो बड़ा गजब कर दिया उसने।
तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम ठाकुर जगत सिंह है। ठाकुर जगत सिंह? जी हाँ। इसे जगतपुर के रहने वाले हो? जी हाँ, इसी जगतपुर का रहने वाला हूँ। हाँ बताइए, कुछ बता सकते हो? फूल करने वाले का नाम क्या है? खून करने वाले का नाम विनोद कुमार है। विनोद कुमार? और जिसका खून हुआ है साहब, उसका नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद कुमार? जी सर। इसका ये कौन लगता है? ये दोनों भाई हैं। क्या ये दोनों भाई? जी हाँ, ये दोनों भाई हैं। यानी छोटे भाई ने बड़े भाई का खून कर दिया? खून कर दिया साहब। लेकिन साहब जी, हाँ बताइए, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसे ले जाइए और उस पर ऐसी दफा चार्ज कीजिए कि हरामखोर जेल चला जाए और जेल से ये साले की फांसी हो जाए। जगत सिंह, ज्यादा गिड़गिड़ाने की कोशिश नहीं, ये सजा दिलाना मेरा काम है। जी जी जी। फांसी होगी या ये तन्हाई में जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ठीक है साहब, जैसा आप सोचे वैसा करें। चौकीदार, इस मुल्जिम के हथकड़ी लगाओ। या मालिक, मैंने अपने भैया का खून नहीं किया, मैं क्या सोच के आया, आज मुझे क्या हो गया मालिक? अरे सपना बिखर गया है, अरे रूठे कृपा निधान, कि सपना बिखर गया है, अरे रूठे कृपा निधान, अरमान सारा खाकी हो गया। सर बोलिए, जब तक मेरा चौकीदार नहीं आ जाता तब तक इस लाश को देखने की जिम्मेदारी। ठीक सर, ठीक, आप जाइए। तो ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है, अब इस लाश को मैं पोस्टमार्टम के लिए ले जाऊं। चौकीदार, अगर तू हमारी बात मान जाएगा जैसा मैं कहूंगा तो तेरा बच्चा ऐसो आराम करेंगे मैं, इतना पैसा दूंगा। चौकीदारी में कितना पैसा मिलता है तुझे? बस केवल 2,000 रुपया। 2,000? मैं तुझे एक दिन का काम करने के लिए पूरे 50,000 रुपए दूंगा। पूरे पचास हजार। क्या करना होगा जब बाबा? देख, अगर तू इस लाश को ले जाएगा, इसका पोस्टमार्टम होगा, अब साले इसमें हम फंस जाएंगे। इससे बेहतर यही है कि इस लाश को उठाकर इस सामने जो नहर दिख रही है ना, इस नहर में फेंक दे, ताकि ये लाश इसी नहर के पानी से बह जाए, कोई शिनाखत न रह जाए, कोई जान पहचान न रह जाए और हम भी बच जाए, तुझे पैसा मिल जाए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना, क्योंकि तू अच्छी तरह जानता है कि ये ठाकुर जगत सिंह है। भैया कम से कम 50,000 रुपया मिल जाए, बैंक बैलेंस कहीं दे दे, हाथ के चलता ही कर दो, तलाव वलाव फेंक दे। जब से मैंने
शीला बहन की शादी कर दिया ना यार। हाँ। खाना खाने में बहुत तकलीफ होता है यार, बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा। सोचने की बात है, कमरे पर खाना खाने जाऊं या हॉस्पिटल में अपना मैं मरीज देखूं? नहीं, मरीज देखना जरूरी है डॉक्टर साहब। नहीं यार, समय हो गया है। हेलो, समय हो गया है, चलो पहले खाना खा लिया जाए, उसके बाद मरीजों का देखभाल किया जाएगा। आइए। यार लाश नहीं है। हाँ। ये बताओ इंसान यहाँ क्यों लेटा है यार? अब एक ना पता लगावे कि मेरी डॉक्टर साहब खैर कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूँ। हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ। बहुत गजब हो गया यार। क्या गजब? ये इंसान लेटा नहीं है। हाँ, तब यार इसके गले पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। ओ, और काफी खून बह रहा है। तब कैसे हो? लेकिन अभी अभी इसकी सांसें चल रही है। एक काम करो, इसे उठाओ और ले चलो हॉस्पिटल, पहले इसका इलाज किया जाए, खाना बाद में खाया जाएगा। अच्छी बात है डॉक्टर। चलिए क्या बताओ यार लल्लू, मैंने उसके गले पर कई टाके लगाए यार। हाँ डॉक्टर साहब, मलहम पट्टी किया। अगर उस जिस इंसान ने कत्ल किया था ना, अगर थोड़ी सी ताकत तो लगा दिया होता, वो जो गले की मेन नस होती है ना। हाँ डॉक्टर साहब, यार आज अगर वो कट जाती ना, मैं तो एक डॉक्टर हूँ पैसे का। मेरी बात छोड़िए, भगवान भी उसे ना बचा पाते। डॉक्टर साहब ठीक हो गया है आदमी की राह। अरे यार लल्लू, परेशान होने की बात नहीं है, वो इंसान बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन अभी काफी जख्म है उसके गले पर। ओ, हो, हो, हो। लेकिन यार लल्लू एक काम करो यार, डॉक्टर साहब उसे बुलाया जाए और उससे पूछा जाए उसका नाम क्या है, वो कहाँ का बेचारा रहने वाला है और उसके साथ ऐसा हुआ क्यों? क्यों? हाँ, बहुत सही डॉक्टर साहब। जाइए बुला कर लाइए। साथ जो जानलेवा हमला हुआ किसी घर ने नहीं,
पीपल की जायदाद के चक्कर में मेरी मौसी माने किया है। अरे वाह, वो साली तुम्हारी मौसी माँ है या तुम्हारी जान की दुश्मन है? वो दुश्मन है डॉक्टर साहब। प्रमोद भाई, कर मेरी बात मानो, अब उस घर में वापस मत जाओ। डॉक्टर साहब, आप तो मेरे लिए इंसान के रूप में भगवान है, बात क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि आप तुम्हारे साथ इतना हुआ, अगर उस साली मौका पा गई तुम्हारी जिंदगी ले सकती है। तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हें खाना मिलेगा, अच्छे से कपड़े मिलेंगे, कोई भारी काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मरीजों का देखभाल करना होगा बस। लल्लू भाई, इनके गले में काफी जख्म है, इन्हें दवा दे दो और ये बता दो कौन सी दवा कितने समय खाना है। टाइट रहो। ए भाई ना है। ए संदलाल आया। गए। भाई साहब। क्या कहे भाई? देखा तो का हम दवाई देते हैं का टाइम टाइम से खाए। अच्छा ठीक है भैया, हमें टाइम का समझावत है, वही टाइम पे खावो की है। ठीक है मेरे भाई। अरे यार कहे ज्यादा चिल्लाता मोहे की कम बोला करा। तब कौनी की बोली? अन्य की मोहने की बोला, लेकिन धीरे धीरे बोला। तो ऐसा क्यों नहीं कहते हो? हाँ नहीं टाका फाट जाए। देखा भाई साहब, दो गोली है। हाँ दो गोली है। देख रहा हूँ। हाँ एक गोली तो सो जाया तब खा ली। अच्छा, और दूसरी गोली लेटरिंग करत की खा ली है। लल्लू पागल हो गए हो? इतना दिन से तुम हमारे दवा खाना में काम कर रहे हो। इधर आओ। ये जो दवा बता रहे हो, अरे यार लल्लू, जब इंसान सो जाएगा भला दवा कैसे खाएगा यार? अरे दूसरी खुराक बता रहे हो, ये इनकी दवा नहीं है यार। अरे यार जो परसों एक औरत आई थी ना, छोटा सा बच्चा लेकर, यार उस बच्चे का पेट चल रहा था, उस बच्चे की ये दवा है। लल्लू एक काम करो, मैं चलता हूँ मरीज देखने, इन्हें खाना खिलाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर लिवा कराओ। आइए भाई साहब, कहा हमें नर्सिंग होम में कंप्यूटर रही, कंपाउंडर कहते हैं, कंपाउंडर रही हम, और देखा तू जेन से का इलाज करे, हम लेडीज का इलाज करे। ठीक है भैया, वही लाए है ये वहाँ तो। कितना मेहरारुआ ने कि हम डिलीवरी पार कर दी। फिर फिर जाना तो है कि चले आओ। चले भैया चला। चौकीदार, मुनादी कर दो कि जो प्रमोद नाम के व्यक्ति का खून हुआ था, उसके इल्जाम में जो विनोद जेल गया है, अदालत ने सजा सुनाया उसके फांसी के लिए। अच्छा, उसकी फांसी होनी है सुबह 6 बजे, मुनादी कर दो। हाँ साथियों, को बस सब सूचना, जो प्रमोद नाम के कातिल है उसका नाम विनोद कुमार है, सुबह 7 बजे उसकी फांसी होगी। जिस सज्जन को फांसी देखना हो, इमदाद करना हो, 3 सबूत के साथ आ सकता है, उसके बाद नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही कहा। चलो चल।